हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट से जुड़ी एक न्यूज शेयर करेंगे। आज के वीडियो में हम AIBEA का एक सर्कुलर शेयर करेंगे जो कि 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट के चार्टर ऑफ डिमांड से जुड़ी कुछ जानकारी को लेकर है। AIBEA द्वारा इंदौर में सेंट्रल कमेटी की मीटिंग की गई है जिसमें 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट को लेकर एक अप्रोच डिसाइड की गई है। सर्कुलर में बताया गया है कि जैसा कि सभी मेंबर्स जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2022 को 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट यानी कि 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट की शुरुआत होगी, जिसके चलते यूनियंस को एक फ्रेश चार्टर ऑफ डिमांड प्रेजेंट करना होगा जिससे कि आगे की नेगोशिएशंस को स्टार्ट किया जा सके। AIBEA द्वारा एक सब कमेटी का गठन किया गया था जिसे सभी यूनियंस के व्यूज एंड सजेशंस को लेकर अपनी रिकमेंडेशन को AIBEA की सेंट्रल कमेटी को प्रेजेंट करना था। सब कमेटी ने सेंट्रल कमेटी को अपनी रिकमेंडेशंस को 28 सितंबर 2022 को सबमिट कर दिया है, जिसे सेंट्रल कमेटी द्वारा एक्सेप्ट किया गया है और गुड वर्क के लिए अप्रिशिएट भी किया गया है। नेक्स्ट फोर वर्कमैन यूनियन AIBEA, NCBE, नोबो एंड इनबेफ की 6 अक्टूबर 2022 को चेन्नई में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड को फाइनलाइज किया जाएगा और इसके बाद इसे इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA को सबमिट किया जाएगा। एक बार चार्टर ऑफ डिमांड को फाइनलाइज किए जाने के बाद सभी मेंबर्स के साथ इसे सर्कुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने AIBEA का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर किया है जो कि 1 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।